if you are new to our channel please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams research positions and guidance videos so let's start the video hey guys welcome to inspire chemistry so today in this video i will discuss one very demandable topic and all one of the very important information also that is related to delhi university so both our students क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि डेली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस माना जाता है ठीक है तो डेली यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सपन्स है स्टूडेंट्स के मन में सारे स्टूडेंट्स सोचता है कि ये जो डेली यूनिवर्सिटी है ये बी एच यू जे एन यू एच यू जैसा है कि एक ही कैंपस है एंड उसके अंदर जाके एडमिशन होता है ऐसे नहीं होता डेली यूनिवर्सिटी में डेली यूनिवर्सिटी का जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि डेली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा कॉलेजेस होता है ठीक है वो कॉलेजेस में एडमिशन होता है पर्टिकुलर कोई मेन कैंपस ऐसे कुछ होता नहीं है कॉलेज में एडमिशन लेना होता है जैसे मैक्स प्लैंक करके जर्मनी एक इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर भी बहुत सारा कॉलेजेस होता है 45 फाइव टू फिफ्टी कॉलेजेस होता है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंदर ठीक है तो ऐसे ही डेली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा कॉलेजेस होता है तो इसका दो कैंपस होता है एक है नॉर्थ कैंपस और एक होता है साउथ कैंपस तो यहाँ पर ओवरऑल मैं डिस्कस करूँगा साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो ट्वेल्थ के बाद यू या फिर बी एस या वगैरह करना जाते जा, जाना चाहते हैं एंड जो जो स्टूडेंट बी के बाद एम करना है या फिर पी कोई भी कोर्स करने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं मैथ स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करूँगा जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स ये जो जो सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटेशनल साइंस स्टैटिस्टिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत सारा स्टूडेंट्स बहुत मतलब अनवॉन्टेड क्वेश्चन कमेंट्स करते हैं कमेंट बॉक्स में ये देख के मतलब उसका आंसर होता ही नहीं है जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछता है कि आई टी बॉम्बे आई टी डेली में कौन सा बेस्ट है आई आई टी खड़गपुर आई आई में कौन सा बेस्ट है मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी को मतलब सपोज किसी को हंड्रेड में से नाइन्टी एट मिला है और किसी को हंड्रेड में से नाइन्टी नाइन मिला है एक साल नेक्स्ट ईयर ये अलग हो गया सपोज जिसको नाइन्टी नाइन मिला था किसी को नाइन्टी उसको नाइन्टी एट मिल गया जिसको नाइन्टी एट मिला था उसको नाइन्टी नाइन मिल गया तो मतलब ऐसे तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये दो तो इंस्टीट्यूट के अंदर कौन सा बेस्ट है एंड कौन सा मतलब कम है कौन सा ज़्यादा है ठीक है तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये सोचना है कि उसके पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है कॉलेज का जो रैंकिंग डिपेंड करता है आ, दो तीन चीज़ों के ऊपर एन आई रैंकिंग नैक का जो रैंकिंग होता है उसके साथ साथ एक्सपीरियंस देन प्लेसमेंट ठीक है एंड उसका फैकल्टीज़ के ऊपर ये सारे थिंग्स तुम्हें देखना होगा कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें डिस्कस करना मतलब आ, चेक करना होगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वो है फैकल्टी कितना है उसका मतलब कोर्स वॉक कैसा है मतलब कोर्सवर्क का सिलेबस देखना कि नेट गेट ओरिएंटेड या फिर तुम्हारा जो एम होगा फ्यूचर के एम रिलेटेड कोर्स वक है कि नहीं उसके साथ साथ जो प्लेसमेंट के लिए वह लिए जाना चाहते हैं तो प्लेसमेंट कैसा है उसके साथ साथ उसका एन आई आर डिफ़ एंड नैक् विजिटिंग रैंकिंग कैसा है ये ये सारे थिंग्स तुम्हें पहले चेक करना होगा उसके बाद ही तुम एडमिशन ले सकते हो अदरवाइज एडमिशन मत लो ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सारे क्वेश्चन आता है कि मैं ये सारे जो फैक्टर्स है जैसे नेक विजिटिंग रैंकिंग एन रैंकिंग प्लेसमेंट्स फैकल्टी उसके साथ साथ उसका कोर्स वर्क उसका जो नेट गेट क्वालिफाई करने का परसेंटेज ये वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद मैं ये रैंकिंग बनाया ठीक है तो ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए कोई भी सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इकोनॉमिक्स ठीक है यहाँ पर ये जो लेडी श्री राम कॉलेज है ये लड़कियों ले, के लिए है फॉर वुमेंस ओके एंड यहाँ पर जस्ट साइंस के लिए स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स है ठीक है और कोई सब्जेक्ट नहीं है मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं है तो यहाँ पर जो रैंकिंग है फर्स्ट है स्टीफेन कॉलेज सेकेंड है हिंदू कॉलेज थर्ड है लेडी श्रीराम कॉलेज यहाँ पर जस्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है लेकिन ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ये जो दो सब्जेक्ट यहाँ पर है ये टॉप लेवल में पढ़ाई होता है वुमेंस के लिए ठीक है फोर्थ में है मिरांडा हाउस फिफ्थ में है हंसराज कॉलेज सिक्स में है किरोड़ी माल कॉलेज ओके आ, उसके साथ सेवेंथ में है रामजस कॉलेज एट्थ में है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज उसके बाद नाइन्थ में है ए आर एस डी कॉलेज फुल फॉर्म देख लेना इंटरनेट में टेंथ में है एस जी टी वी खालसा कॉलेज दैट इज़ श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ये है ठीक है ये है टॉप टेन इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से जो नॉर्थ एंड साउथ कैंपस है डेली तो यूनिवर्सिटी का उसके अंदर तो स्टीफेन कॉलेज हिंदू कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ करके ये जो टेन कॉलेजेस हैं ये मैं रैंकिंग बनाया तुम्हारा जो डिमांड होता है जैसे यहाँ पर कैसे फैकल्टीज कैसा है प्लेसमेंट कैसे होता है उसके साथ साथ एन आर रैंकिंग कैसा है नैक विजिटिंग में रैंकिंग कितना आता है ये सारे थिंग्स ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आया था और बहुत कमेंट किया था कि डेली यूनिवर्सिटी का कॉलेज का रैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं ये सारे रिसर्च करने के बाद इंटरनेट में इसका प्लेसमेंट वगैरह प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता तो प्लेसमेंट तो छोड़ ही दो तो यहाँ पर रिसर्च के लिए अब्रॉड जाने का भी ऑप्शन होता है एंड उसके साथ साथ फैकल्टीज भी बहुत अच्छा है हिंदू कॉलेज स्टीफेन कॉलेज एंड उसके साथ साथ मिरांडा हाउस हंसराज कॉलेज ये जो चार पाँच कॉलेजेस हैं ये तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर जाके तुम एडमिशन ले सकते हो कोई भी सब्जेक्ट के लिए ठीक है एंड ये टेन कॉलेजेस छोड़ के भी और भी कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पर जैसे गार्गी कॉलेज देन आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज एंड थर्ड वन इज़ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ये जो तीन कॉलेज एंड टॉप टेन जो कॉलेज का नाम लिया नॉर्थ एंड साउथ कैंपस मिला के ये कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो तो एडमिशन लेने के पहले मैं जो तीन चार की फैक्टर के बात किया था वो पहले चेक कर लेना खुद से ये रिसर्च करना सीखो क्योंकि कि कितना कॉमेंट करोगे यूट्यूब वीडियोज़ में तो उसका जो YouTube वीडियो बना रहा है उसके अंदर मतलब जब टाइम मिलेगा वो रिप्लाई करेगा उससे अच्छा तुम नहीं खुद खुद से ही सर्च कर लो देखो यूट्यूबर क्या करते हैं तुम्हें एक लिंक दे देता है या फिर तुम्हें एक ट्रेंड पकड़ देता है कि ऐसे तुम फॉलो कर सकते हो फिर तुम्हें खुद को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो पीछे चला जाओगे क्योंकि उसका खुद का भी तो काम होता है ठीक है वो तो करने के बाद तुम्हें रिप्लाई देता है तो उस टाइम पे तुम ये जो जो रैंकिंग दिया इसके बाद ये रैंकिंग वाइज तुम सारे इंस्टीट्यूट का फैकल्टीज चेक करो उसके बाद प्लेसमेंट चेक करो उसके बाद एन रैंकिंग चेक करो उसका जो जो बाहर के साथ कोलाबोर्सन चेक करो इसके थ्रू तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा ठीक है तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन्स तो कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पहले पहले देखना होगा फैकल्टीज प्लेसमेंट्स उसका एन्वायरमेंट्स उसका फ़ीस स्ट्रक्चर एन आई आर एफ रैंकिंग नैक विजिटिंग रैंकिंग मतलब जो ग्रेड ये सारे थिंग्स पहले चेक करना होगा ठीक है तो मेरे हिसाब से ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन ये नॉर्थ एंड साउथ कैंपस कैंपस के लिए एंड फॉर साइंस स्टूडेंट्स मतलब यू जी एंड पी जी बोथ प्रोग्राम के लिए मतलब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो बी एस सी करने के लिए जाना चाहते हो तो ये रैंकिंग फॉलो कर सकते हो एंड एम करने के लिए भी जाते हो तो ये रैंकिंग फॉलो कर सकते हो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथामेटिक्स बायोलॉजी इकोनॉमिक्स उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स में ठीक है तो फर्स्ट जो मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ टॉप जो फाइव कॉलेज इसमें तुम जा ही सकते हो लड़कियों के लिए लेडी श्रीराम कॉलेज बहुत ही अच्छा है ये इसमें जा सकते हो जो जो वुमेंट्स है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है जस्ट यहाँ पर एम अदरवाइज स्टीफन कॉलेज हिंदू कॉलेज मिरांडा हाउस हंसराज कॉलेज एंड रामजस् कॉलेज ये जो कॉलेजेस है इसमें तुम एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पर टेंथ में जो है एच जी टी खालसा कॉलेज ये भी बहुत अच्छा है ठीक है तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस तो टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ एंड साउथ कैंपस मिला के दिल्ली यूनिवर्सिटी युनि, के अंदर बहुत सारा कॉलेजेस होता है तो उसमें से मैं टॉप टेन को चुना मेरे जो जो की फैक्टर होता है उसके बेसिस पे इंटरनेट में सर्च करने के बाद एंड फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है ठीक है सेमिस्टर फीस अराउंड पढ़ने के लिए अराउंड फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास हो जाता है उसके साथ साथ खाने वगैरह कुछ दे, देने के बाद थर्टी थाउजेंड के अंदर हो जाता है शायद ठीक है सो और एक इंपॉर्टेंट थिंग बहुत सारा स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है फिजिक्स के लिए कौन सा अच्छा है मैथमेटिक्स के लिए कौन सा अच्छा है तो यहाँ पर देखो मैं जो रैंकिंग दिया यहाँ पर स्टीफेन हिंदू ये वगैरह मिरांडा हाउस इसमें मैं पहले भी डिस्कस कर दिया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो टॉप टेन कॉलेजेस में किसी में भी एडमिशन ले लो और टॉप फाइव में लोगे तो और भी अच्छा है तो इसके बेसिस पे तुम ज्वाइन कर सकते हो मैक्सिमम जो थिंग दि, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारा फ्यूचर के ऊपर मतलब तुम्हारा स्टडी के स्टडी के जो तुम्हारा हार्ड वर्क तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारा प्रिपरेशन कैसे ले रहे हो नेट गेट ये सारे थिंग्स के लिए इसके ऊपर डिपेंड करता है तो कोई भी कॉलेज चूज़ करने के पहले जो जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर के बारे में डिस्कस किया वो पहले आ, उसके बारे में देखो उसके बाद कॉलेज चूज करने के बाद खुद के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो ऐसे नहीं कि तुम टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो मतलब तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा टॉप होगा ऐसे नहीं बहुत सारा स्टूडेंट्स का रिसर्च पेपर अच्छा नहीं आता है सी बेंगलोर में पढ़ने के बाद भी क्योंकि तुमको खुद को वहाँ पर जाके काम करना होगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है जो छोटा से छोटे से कॉलेज से जाके बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं एंड बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेगा बहुत बड़ा कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी बहुत अच्छा चीज़ों में मतलब जहाँ पर पहुँचना था उसको वहाँ पर नहीं पहुँचा तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है पहले कॉलेज चूज कर लो मैं यहाँ पर ट्रेंड दे दिया ऑर्डर दे दिया कॉलेज का वो चीज डिग चेक करने के बाद वो सारे थिंग्स डिस्क मतलब रिसर्च करके देखो कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट है उसके बाद ज्वाइन करो ठीक है एंड उसके बाद हार्डवर्क करो